तो सौगातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और हर वर्ग की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान है। संगम नगरी में नमो मात्र शक्ति को लेकर क्या क्या आज मिलने जा रहा है महिलाओं को, ये भी समझिए। 2,72,000 से ज्यादा महिलाएं आज पहुंच रही हैं। 826 ब्लॉक की महिलाएं आज के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। 58,189 ग्राम पंचायतों की महिला इस कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं। सामुदायिक शौचालय की 50,772 केयर टेकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। समूह सखी जो होती है उनकी संख्या भी करीब 22,110 के करीब रहने वाली है। 6,179 बैंक सखी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 54,715 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो लोग होते हैं वो भी यहां पर रहने वाली हैं। 8,018 विद्युत सखी भी मौजूद रहेंगी। टेक होम राशन योजना से 4,040 महिला जो जुड़ी हुई है वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। कन्या सुमंगला योजना की 31,600 लाभार्थी भी साथ में रहेंगी। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 79,500 महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। चुनावी पिच पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार खुद को चैंपियन साबित कर चुके हैं, लेकिन अब बारी प्रयागशाला में खुद की बादशाहित साबित करने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज में आधी आबादी को साधने वाला मास्टर कार्ड चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में 3,00,000 महिलाओं के शामिल होने की चर्चा है। प्रियंका के बाद अब पीएम चलेंगे महिला कार, आधी आबादी वाला गांव दिला पाएगा यूपी का ताज। एक बार फिर सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिक गई हैं। एक बार फिर पीएम मोदी यूपी का सियासी पारा चढ़ाने यूपी आ रहे हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी की मंजिल प्रयागराज है, जहां पीएम मातृ शक्ति महाकुंभ के नाम से हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहाँ भव्य तैयारी की गयी है, वही यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से 2,50,000 से ज्यादा महिलाओं को न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले मातृशक्ति महाकुंभ के आयोजन में तकरीबन 3,50,000 महिलाओं को बुलाया गया है। कुल मिलाकर 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है। ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आएंगी। 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें से सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का काम देखने वाली 50,772 महिलाओं को बुलाया गया है। इसके साथ साथ समूह सखी से जुड़ी हुई 22,210 महिलाओं को बुलाया गया है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी संगम की सरजमी से न सिर्फ यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के महिला कार्ड का जवाब भी देंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि पीएम मोदी मातृ शक्तियों को किसी बड़े तोहफे से नवाज सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अनुप्रिया पटेल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी समेत यूपी में सत्ता पक्ष की सभी महिला सांसदों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में मातृ शक्ति का महाकुंभ लगाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर 2,50,000 से ज्यादा महिलाएं जुटेंगी। इसके साथ साथ आम लोग भी यहां पर मौजूद रहेंगे, लिहाजा बहुत बड़े मैदान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हो सके, उनको देख सके, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर आप देख सकते हैं कि ढेरों LED स्क्रीन लगाई गई है। इन LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जो कुछ भी करेंगे वो इस पर साफ दिखता रहेगा, यानी लाइव प्रसारण होगा। और ये कार्यक्रम कितना भव्य होगा इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है, जिसमें यूपी के 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाएं शामिल होंगी। इनमें सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का काम देखने वाली 50,772 महिलाएं, समूह सखी की 22,210 महिलाएं, बैंक सखी की 6,189 महिलाएं, बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी का काम देखने वाली 54,715 महिलाएं, 8,018 विद्युत सखियां, टेक होम राशन से जुड़ी 4,040 महिलाएं, कन्या सुमंगला योजना की 31,600 लाभार्थियां
और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 79,500 महिलाएं शामिल होंगी। पीएम इस कार्यक्रम में 1,00,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे, जबकि 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। मतलब प्रयागराज को आधी आबादी को साधने का मंच बनाया जाएगा। दरअसल चुनाव में महिलाओं का वोट गेम चेंजर साबित होता है और ये भाजपा के लिए तो बहुत ज्यादा ही फायदे का सौदा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड चलकर एक नई चुनौती दे दी है। अब प्रियंका की इस चुनौती का जवाब खुद पीएम मोदी देने प्रयागराज आ रहे हैं। वैसे दिसंबर में मोदी का ये चौथा दौरा है, लेकिन महिला शक्ति को एकजुट करने वाला ये पहला कार्यक्रम होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।